हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार, यानी कि 2021 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है, किस किस क्षेत्र में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार अर्डेम परपोटियम और डेविड जूलियस, इन दोनों को ही चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अर्डेम परपोटियम जो है अमेरिका के रहने वाले हैं और डेविड जूलियस भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं, तो इन दोनों लोगों को ही चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब क्यों दिया गया है तो ये हम देख लेते हैं। तो इन्हें ये जो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार है ये क्यों दिया गया है, त्वचा के रहस्य खोलने के लिए। फ्रेंड्स, इन्होंने त्वचा के जो रहस्य है वो खोले हैं कि हमारी जो त्वचा है वो ताप और दाब को कैसे महसूस करती है। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार। तो फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है सिवकुरो मानाबे जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं क्लाउस हैसेलमैन जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और तीसरे हैं जियोग्रियो पारिसी जो कि इटली के रहने वाले हैं। तो अब इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो ये हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिवकुरो मानाबे और क्लाउस हैसेलमैन, यानी कि उन्होंने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया था। क्या किया था? फिजिकल मॉडल तैयार किया था, जिससे कि इसमें होने वाले बदलाव पर जो नजर है वो रखी जा सके और ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान भी लगाया जा सके। तो इसीलिए सिवकुरो मानाबे और क्लाउस हैसेलमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। अब देखिए आगे, जो जियोग्रियो पारसी हैं इन्हें क्यों दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो ये देख लेते हैं। इन्होंने अणुओं से लेकर ग्रहों के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की जो गतिविधियां हैं उसको दिखाया, तो इसलिए इन्हें जो है फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम आगे देख लेते हैं। ओके, आगे जो नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार, बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं और डब्ल्यू सी मैकमेलिन जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, तो इन्हें रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, क्यों दिया गया था तो ये हम देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया था। इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है ना, इस क्षेत्र में, तो इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आगे देखिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया मारियो रेसा जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं दिमित्र मुराटो जो कि रूस के रहने वाले हैं। ये दोनों ही पत्रकार हैं और इन्हें ये पुरस्कार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। समझ में आया? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मारियो रेसा जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं, और दिमित्र मुराटो जो कि रूस के रहने वाले हैं, तो इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो जो नाम मैं आपको बता रही हूँ उसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसे देखने को आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो अब्दुल रज्जाक गुरनार को, जो कि तंजानिया के रहने वाले हैं। अब क्यों मिला है तो देखिए, अब्दुल रज्जाक गुरनार ने अपने उपन्यास पर लघु कथाओं में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है, क्योंकि इन्होंने शरणार्थियों का जो है मार्मिक वर्णन किया है। किसमें? अपने उपन्यास पर लघु कथाओं में, ठीक है ना, तो इसीलिए इन्हें जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोज़ का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप बाकी वीडियोज़ को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और टीम क्लासेस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और जीके के किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट के थ्रू आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।